मात्र 999 की मासिक किस्त पर ले जाएं टीवी, फ्रिज और एसी, वो भी बिना किसी ब्याज के। संपर्क करें जिम्मी सेल्स, पुरानी किला मोड़, सिवान। बागमती नदी में डूबा युवक, मौत के बाद नाराज भीड़ ने मचाया तांडव। तोड़फोड़ के बाद गाड़ियों में लगाई आग। छठ पूजा के दौरान बेगूसराय जिले के बकरी के शकरपुरा में एक युवक डूब गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। इसके बाद धीरे धीरे स्थिति विकराल हो गई। भीड़ ने दो गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। हालात को काबू पाने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। बताया गया कि बकरी के शकरपुरा गांव निवासी मदन रजक का 22 वर्षीय नंद किशोर रजक उर्फ नंदकू रजत छठ पूजा के दौरान बागमती नदी में डूब गया, जिससे इलाज के लिए बकरी के सरकारी अस्पताल में लाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे बेगूसराय रेफर कर दिया। रास्ते में उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रेफर करने के बजाय पीएचसी में सही ढंग से उसका इलाज किया जाता तो उसकी जान बच सकती थी। इसी बात से नाराज होकर लोगों ने अनुमंडल चौक के समीप सड़क जाम कर दिया। धीरे धीरे पीएचसी में लोगों की भीड़ जमा होने लगी। देखते ही देखते सुबह के करीब 8 बजे के बाद लोग आक्रोशित हो गए। भीड़ ने उपद्रव शुरू कर दिया। पीएचसी के ओपीडी समेत अन्य रूम में लोहे के रॉड, लाठी डंडे और पत्थरों से तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। उपद्रव के दौरान अस्पताल के उपकरणों को भी रूम से बाहर निकालकर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। भीड़ ने एसडीपीओ आवास में भी तोड़फोड़ किया। इस दौरान स्थिति का नियंत्रण करने का आए परिहारा ओपी की गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया। साथ ही पीएचसी प्रभारी की प्राइवेट गाड़ी और आवासीय परिसर के बरामदे को भी आग के हवाले कर दिया। लोगों को समझाने गए अधिकारियों के अलावा समाचार संकलन को गए पत्रकारों के साथ भी मारपीट और बदसलूकी की गई। उपद्रवियों ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इस दौरान कई लोगों को चोटें भी आई। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हवाई फायरिंग भी की। समाचार प्रेषण तक कई थानों की पुलिस और अतिरिक्त बलों की स्थिति को नियंत्रण करने के लिए लगाया गया। साथ ही डीएम अरविंद कुमार वर्मा और एसपी अवकाश कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। न्यूज़ नेटवर्क से परवेज अख्तर की रिपोर्ट।